नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरीज जो होती है वो कैसे निकाली जाए। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, कितनी है, आपको कैसे पता चले। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर ये पूरा काम का होएगा। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग को लेकर के या अपने वजन को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मेरे ख्याल से इस वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ गया होना चाहिए कि मेंटेनेंस कैलोरी कैसे ढूंढी जाती है और वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, वज़न कम करने के लिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम पूरे दिन में जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं, जो एनर्जी खर्च करते हैं, वो हम तीन जगह पे खर्च करते हैं। एक तो हमारी BMR पे, एक हम पूरे दिन में जो भी हमारा शरीर शारीरिक काम करते हैं, मतलब चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो हाथ उठाना हो, चाहे वो पेन से लिखना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो जिम में कसरत करना हो, कुछ भी हो, उन सब में हम कुछ ऊर्जा खर्च करते हैं। वो थी नंबर दो। नंबर तीन था जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने में हम कुछ ऊर्जा खर्च करते हैं। मैंने कहा था ये तीन चीज़ें जिनमें हम अपने दिन की सारी ऊर्जा खर्च करते हैं, मतलब तीन भागों में हमने इसे बांट दिया है। जो भी ऊर्जा खर्च होती है उसे तीन भागों में बांट दिया है। BMR क्या होती है और उसे कैसे ढूंढा जाता है उसके लिए वीडियोस बना रखे हैं मैंने पहले, आप जाके देख सकते हैं। और ये ऊर्जा हम तीन जगहों पे कैसे खर्च करते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, BMR का वीडियो। और वो वीडियो मैं इस वीडियो के आखिर में लिंक कर दूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। बाकी अगर वो वीडियो नहीं भी देख रहे तो भी ये वीडियो समझ आएगा। और जो भी यहाँ पे बात होगी वो लड़की लड़का औरत आदमी सबके लिए लागू है, मतलब लड़की के लिए भी जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा, जो भी गणित चलेगी आप लोग, लड़की के लिए भी वही चलेगी और लड़के के लिए भी वही चलेगी। मेन जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि लड़की की BMR थोड़ी सी लड़कों से कम रहती है बस, पर वो BMR में फर्क है। यहाँ पे जो भी गणित हो रही है वो उसमें कोई फर्क नहीं। अगर हम सबसे पहले BMR की बात करें कि हम पहला खर्च, मतलब तीन जगह हम खर्च करते हैं, BMR में जो भी शारीरिक काम कर रहे हैं उसमें और जो खाना पचा रहे हैं उसमें, तो पहला खर्च है BMR में। BMR का खर्च आप कुछ नहीं कर रहे तब भी होगा, उतनी आपके शरीर में ऊर्जा तब भी खर्च होगी। तो BMR कैसे ढूंढनी है ये आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगा। मान लेता मैं हमारी BMR पता चल चुकी है, अब हमें देखना है कि हम जो भी शारीरिक काम कर रहे हैं उसमें हम कितना कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। मान लेते हैं कि BMR तो वो हो गई कि हम, मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, हिल भी नहीं रहा, खाली सांस ले रहा हूँ, पड़ा हूँ तो मैं जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, हम जिंदगी में कुछ तो करते हैं पूरे दिन में। मान लेते एक आदमी है जो सोफे पे पड़ा है, रिमोट है, टीवी देखे जा रहा है और वो उठता है, एक गिलास का पानी भरता है, लेता है, बैठता है, पीता है, उठता है, खाना लेता है, रसोई से लेकर के आता है, बैठता है, खाता है, मतलब वो बस दिन भर में लगभग लगभग वो बैठा ही है, वो और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो आदमी मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पूरे दिन एक बिस्तर पे पड़ा भी नहीं है लेकिन वो लगभग लगभग पूरे दिन बैठे ही, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सिर्फ सुबह उठा, उठ करके ब्रश व्रश कर लिया और फिर वापस पूरे दिन बैठने का काम और इस तरीके का काम है उसका। तो उसको लगभग लगभग हम बैठने वाले आदमी के बराबर ही मानते हैं। तो उस आदमी की जो ऊर्जा खर्च होगी उस दिन वो होगी उसकी BMR गुना 1.2, जो उस दिन वो खर्च करेगा वो होगी BMR गुना 1.2, लगभग इतनी होगी। एक बार के लिए हम खाना पचाने के लिए कितनी कैलोरीज लग रही है उसको भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ BMR और शारीरिक काम में जितनी लग रही है उसकी बात करेंगे, खाना पचाने वाले की भी हम आखिर में करेंगे। तो उस आदमी के लिए हमें समझ आ गई। तो अच्छा मान लेते हैं एक आदमी है जो कि उस आदमी जितना पूरे दिन खाली भी नहीं बैठता, कुछ घर का काम करता है, या फिर कोई लड़की है वो घर का काम करती है, वो बाहर से मान लो बाजार से सामान लाना है वो ले आए, या फिर कुछ एकदम जैसे थोड़ी दिन में वॉकिंग कर ली, जैसे मान लो आराम से टहलने निकल गए, आधे घंटा पौन घंटा वॉकिंग कर लिया, इस हफ्ते में 3-4 बार कर लिया, कोई है तो एकदम हल्का फुल्का गेम खेल रहा है जैसे बॉल
गोल्फ जैसा गेम हो गया या फिर क्रिकेट खेल रहा है लेकिन उसमें सिर्फ बैटिंग बैटिंग, और उसमें भी बैटिंग में भी मतलब भाग के रन नहीं ले रहा, सिर्फ खड़े खड़े बैटिंग करने वाला, वो भी थोड़ी देर खेल लिया चलो, इस तरीके का जो काम कर रहा है जो कि एकदम बिस्तर पे भी नहीं पड़ा लेकिन ऐसे एक्सरसाइज बोल करके एक्सरसाइज जैसा कुछ अलग से कर भी नहीं रहा है, उस तरीके इंसान जो हफ्ते में तीन चार दिन कुछ मतलब एक तो रेगुलर अपने घर का काम कर रहे हैं, जो भी अपने रेगुलर थोड़ा रूटीन में हिलने चलने ढुलने का काम है वो कर रहे हैं, या फिर हफ्ते में तीन चार दिन अलग से थोड़ा सा टाइम निकाल के आधे पौन घंटे वॉकिंग कर लेते हैं, आराम आराम से वॉकिंग कर ली, थोड़ा टहल के आ गए, उस तरीके के लोगों के लिए जो वो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो है BMR गुना 1.375, मतलब उनकी BMR में हम गुना करेंगे 1.375 तो हमें उनकी जो ऊर्जा खर्च हुई वो मिलेगी, डाइजेशन मतलब पचाने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसकी अब हम भी हम बात नहीं करेंगे। फिर मान लेते हैं वो लोग जो कि मतलब थोड़ा सा यूं फिट होना चाहते हैं, मतलब जिनको यूं है कि भाई अगर फिट रहना है, मतलब जिनको यूं भी नहीं है कि भाई हम एकदम मतलब दबा करके एक्सरसाइज करेंगे, कसरत करेंगे, बॉडी बनाएंगे और बस फिट रहने वाले टाइप के सोच के लोग हैं, मान लेते हैं वो लोग हफ्ते में समझ लो तीन चार पाँच दिन मान लो जिम गए, वहाँ पे उन्होंने हल्के मतलब जितना मतलब ठीक ठाक तरीके से वजन उठाया, एकदम आराम आराम से कर रहे हैं कि भाई अपने को फिट रहना है, अपने को कोई ऐसे बहुत वो नहीं है कि बहुत बॉडी बनानी है, ऐसे तीन चार पाँच दिन उन्होंने कसरत करी हफ्ते में, हर बार उन्होंने जो करी जो वो समझ लो 30 मिनट 45 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट करी, मतलब आधे घंटे से पौन घंटे एक घंटे करी अपने आराम आराम से करी, वापस घर आ गए, उस कसरत की जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, पर आप यूँ समझ लो कि आप यूँ समझ लो कितनी जान लगाई देसी भाषा में, देखो हम ऐसे कहते हैं बहुत जान लग गई यार आज कसरत करने में, अब एक होता है ना कि आज तो कोई जान ही लगी, आराम आराम से कर लिए, कुछ खास किया ही नहीं आज ऐसे, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो बीच की होती है, वो उतनी आराम से भी नहीं है कि घर का काम करने में जितनी लग रही है, और वो उतनी भी नहीं है कि कोई आदमी एकदम सीरियस होकर के जा रहा है जिम में के दबा करके कसरत करने, वैसी भी नहीं है, बीच की है, जिसे अगर जिसको मैं एक समझाने के लिए बता देता हूँ कि हमारी जो मैक्सिमम हार्ट रेट होती है, मैक्सिमम हार्ट रेट मतलब आपका दिल एक मिनट में कितनी ज़्यादा बार धड़क सकता है जिन आप मतलब बिना फेल हुए, मतलब बिना फटे या बिना आपको मारे जितनी बार धड़क सकता है उसको मैक्सिमम हार्ट रेट कहते हैं, तो मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब बीच की इंटेंसिटी जो होती है जिस पे आदमी कसरत कर रहा है उसको हम मान लेते हैं कि आपका दिल 60-70% जो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 60-70% पे धड़क रहा है, अगर आपकी मान लो मैक्सिमम हार्ट रेट 100 है, मतलब एक मिनट में आपका दिल ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार धड़क सकता है, तो समझ लो आपका दिल उस टाइम पे 60-70 की एक मिनट में 60-70 बार धड़क रहा है, ये मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया है क्योंकि ये चीज़ ये समझाने के लिए समझाया जाता है, अगर कि नहीं कई लोगों को समझ आती है तो उनके लिए ठीक है, नहीं तो मैंने आपको जिस तरीके से समझाना कि आदमी इस तरीके से हल्का फुल्का काम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता है उस तरीके से हफ्ते में तीन चार पाँच दिन करता है, आधे पौन घंटे एक घंटे करता है एक दिन में, उस तरीके का आदमी है, तो इस इंटेंसिटी को कहते हैं। अब आपको एक बात और साथ में बता दूं कि जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी किसी भी चीज़ में तो वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कन ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपके शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी चाहिए तो दिल ज़्यादा जल्दी धड़केगा, मतलब उस टाइम अभी शरीर की ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा होती है तो कई चीज़ों में न्यूट्रिशन मतलब तत्व जो है वो आपके शरीर को ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे, तो आप वो आपके खून से पहुँचते हैं तो आपका दिल ज़्यादा जल्दी जल्दी खून पंप करेगा, पूरे शरीर में खून को भेजेगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजेगा, तो जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी से कसरत करोगे या कोई भी काम करोगे भले वो 100 मीटर तेज़ दौड़ने का हो उतना तेज़ आपका दिल धड़कने नहीं लग जाएगा, तो इंटेंसिटी को हम दिल कितना तेज़ धड़क रहा है इससे भी नाप लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि इस तरीके का आदमी है कि आराम से अपने फिट रहने के हिसाब से कसरत करनी है और हफ्ते में तीन चार पाँच दिन करता है, आधे पौन घंटे एक घंटे करता है, ये आदमी की जो ऊर्जा खर्च होगी हर दिन वो हम गिनेंगे उसकी BMR गुना 1.55, ठीक है। अब एक आदमी है
जो कि मैं अपने आप को हमेशा इस मतलब कैटेगरी में रखता हूँ, जो कि सीरियस है कि भाई अपने को बॉडी बनानी है, अपने को हफ्ते में 6 दिन जिम जाना है, अपने को ढंग से एक्सरसाइज करनी है और मतलब अच्छे से बढ़िया से करनी है, और जिस समझ लो वो 6 से 7 दिन जाता है जिम में, वो 1.5 घंटे 1 घंटे या ज़्यादा ज़्यादा 1.25 घंटे कर लेता है एक्सरसाइज, वो मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी अच्छी इंटेंसिटी में होती है, वो मतलब बीच की इंटेंसिटी तो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी, मतलब उसे देख कर ही कोई जिम में ये नहीं गएगा कि ये टाइम पास करना है, कि भाई ये सीरियस है, लोग देख के कहेंगे सीरियस है, अच्छा ये अपने पूरे 1 घंटे 1.25 घंटे पूरा कसरत में लगा रहता है और अच्छा वजन उठाने की कोशिश करता है ऐसे, या ठीक ठाक वजन जितना वो उसके शरीर के हिसाब से उठा पाता है उसके हिसाब से ठीक ठाक वजन उठाता है इस तरीके से, मतलब अच्छी इंटेंसिटी उसे कहते हैं। और हार्ट रेट में गिनोगे मतलब दिल की धड़कनों में, तो आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है जो सबसे ज़्यादा तेज धड़क सकता है उसके 70 से 85%, मान लो अगर 100 थी तो समझ लो 70 से 85 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में ज़्यादा ज़्यादा 100 बार धड़क सकते हैं मान लो, तो वैसे तो 72 बार नॉर्मली होता है पर मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो इस इंटेंसिटी पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छी इंटेंसिटी है, जो मतलब हाँ 1 घंटे 1.25 घंटे को दबा करके कसरत कर रहे हैं भाई हमें अपने शरीर के लिए करना है, वो हो सकता है वो वजन कम करने के लिए भी कर रहे हो सकता है वजन बढ़ाने के लिए भी कर रहे हो, लेकिन मतलब दबा के कर रहे हैं ऐसे समझ लो, उस तरीके के लोगों के लिए BMR गुना 1.725 इतनी ऊर्जा वो खर्च कर रहे हैं एक दिन में। अभी खाना पचाने वाली बात को भूल जाओ, ठीक है। अब कुछ लोग हो गए जो कि 1.5-2 घंटे तक लगे रहते हैं जिम में कसरत करने में, कई बार 2.5 घंटे भी लगे रहते हैं। मैं सिर्फ कार्डियो की बात नहीं कर रहा, कि मशीनों पे दौड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं वज़न उठाने की बात कर रहा हूँ, वो लगे रहते हैं, या फिर कई यहाँ पे मैंने जो भी बात करी है मैंने जिम का एग्जांपल दिया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जिम वाले हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं मतलब ये जो मैंने बताया ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ जिम में जो आप कसरत कर रहे हो, सकता है आप कोई जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन अगर कोई ढंग से खेलता है तो उसमें मतलब अगर ढंग का बैडमिंटन खेलता है तो उसमें बहुत जान लगती है, मतलब बहुत इंटेंसिटी होती है उसकी, या फिर कोई लॉन टेनिस जो होता है हमारा जो बड़े कोर्ट में खेला जाता है, टेबल टेनिस नहीं लॉन टेनिस, उसमें बहुत अगर कोई ढंग से खेलता है लगातार तो उसमें बहुत जान लगती है। तो ये सब मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिम के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए है कोई स्पोर्ट्स के लिए, पर ऐसा भी नहीं कि आप खड़े हो गोल्फ में यूं कट करके टुक मारा और वहाँ पे बॉल चली गई पैदल गए और लेकर के आगे बॉल, ऐसा नहीं है। मतलब इंटेंसिटी जिम वाले गेम की भी हो सकती है, दूसरी चीज़ों की भी हो सकती है, और हो सकता है कोई बहुत तेज दौड़ रहा है मतलब बहुत तेज दौड़ता है फिर थोड़ी देर रुकता है फिर बहुत तेज दौड़ता है, मतलब जॉगिंग नहीं कर रहा वो स्प्रिंटिंग कर रहा है, तेज दौड़ रहा है जैसे 100 मीटर 200 मीटर में दौड़ता है, तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी में गिना जाता है, पर दौड़ने वाला काम आप बहुत तेज दौड़ने वाला काम 1 घंटे नहीं कर सकते, वो बात अलग है। तो मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ जिम के लिए नहीं है, पर ये वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग जिम वाले होंगे और मैं खुद जिम वाला हूँ तो मैं जिम का उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। अब मान लो कुछ लोग हैं कि बहुत दबा के एक्सरसाइज करनी है, अपने को हफ्ते में 6-7 दिन करनी है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और हफ्ते वो एक दिन में मतलब जब भी कसरत करेंगे 1.5-2 घंटे लगे रहेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जिम में भी हमने ऐसे लोग देखे होंगे, लेकिन अगर आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अपनी जो मतलब नॉर्मल खाना खाते हो, जिम जाते हो और बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो और कोई सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं ले रहे हो, या फिर अपने खाने का अलग से ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हो, तो मैं कहूँगा कि 1.5 घंटे से अपनी जो आप कसरत कर रहे हो उसको उसके टाइम को 1.5 घंटे से ऊपर मत जाने दो, क्योंकि ना आप खाने का ध्यान रख रहे हो ना कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, तो फिर क्या है कि उससे ज़्यादा आप खींचते जाओगे ना, और आप मतलब अच्छी इंटेंसिटी से भी कर रहे हो तो फिर शरीर खराब होने का डर रहता है, उसमें हो सकता है ना हो लेकिन होने का डर रहता है। तो एक आम आदमी के लिए मैं मतलब 1.25 घंटे के आसपास ही रखता हूँ अपना, मैं अगर और अगर मैं कभी सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ तब तो मैं 1.25 घंटे के अंदर ख़त्म करता हूँ ऐसा समझ लो, मतलब 90% ऐसे ही। तो
अब मान लेते हो वो इंसान है जो बहुत लगा हुआ है, और या फिर कोई मजदूर है पूरे, वो भले जिम में वर्क जिस नहीं कर रहा, कसरत नहीं कर रहा, पर वो पूरे दिन ईंटें ढोना, सामान यहाँ से वहां कर रहा है पूरे दिन, मतलब वो वजन है उसके पास, और वो मतलब वजन तो होता ही है, हाथ में काफी सारी ईंटें है तो, और उसको पूरे दिन ढोए जा रहा है, मतलब इस तरीके का कोई काम होता है ना जो काफी इंटेंस हो, पूरे दिन के लिए हो गया, या तो या फिर थोड़े टाइम के लिए जैसे 1.5-2 घंटे के लिए, लेकिन काफी इंटेंस है, तो मजदूर हो गए। या फिर कई लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि लंबी दौड़ाक होते हैं, बहुत दूर लंबे दौड़ते हैं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर काफी लंबा दौड़ते हैं, उनका शौक है या फिर उनका समझ लो प्रोफेशन है, वो ऐसा करते हैं वैसे लोग। या फिर आप समझ लो एथलीट ही हो गए, काफी जिमनास्टिक होते हैं, और 1.5-2 घंटे यूं फू 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 ट्रेनिंग करते रहते हैं अपनी, मतलब आप समझ लो उस तरीके के लोग जिनका रूटीन बहुत ज्यादा इंटेंस है, या फिर अगर वो 1.5-2 घंटे भी कसरत कर रहे हैं अपनी कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो काफी इंटेंस है उस तरीके के लोग, अपनी BMR को 1.9 से गुणा कर ले, BMR को 1.9 से गुणा कर ले, इतनी वो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं हर दिन। याद रखने के लिए बता देता हूँ कि ये जितने भी हमने गिने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इन सब में 0.175 जुड़ता जा रहा है, मतलब इसका फैक्टर कह लो वो जुड़ता जा रहा है, मतलब यहाँ से आओगे तो 0.175 जोड़ोगे तो आओगे, यहाँ से यहाँ 0.175 जोड़ोगे तो आओगे, फिर यहाँ से यहाँ 0.175। तो ये हो गई कहानी कि तुम कसरत से कितनी खर्च कर रहे हो ऊर्जा, ठीक है, ये लड़की लड़के सबके लिए, बस फर्क इतना है कि लड़कियों की BMR लड़कों से थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, उदाहरण देंगे हम, कि मान लो समझ लो मैं लगभग अपनी बात कर लेता हूँ, एक आदमी है, इसमें कुछ चीजें मेरे पे भी लागू होती है, और एक आदमी है मान लो उसकी BMR है 1500, ये हमें पता चल गया कि BMR कैसे घूमते हैं, वो मैं पुरानी वीडियो में बताया मैंने, वो हफ्ते में 6 दिन कसरत करता है मेरे जैसे, वो घंटे से 1.25 घंटे करता है, लेकिन ढंग से करता है मेरे जैसे। अगर हम गिने कि वो BMR में, और एक और बात, ये जो यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये BMR में जो आप शारीरिक जो भी खर्च कर रहे हो कसरत में या किसी भी तरीके से, वो मिला के आ रहा है, ठीक है, मतलब इससे जो आएगा ना, इनसे जो आएगा वो BMR प्लस जो शारीरिक है वो मिला के आएगा, बस इसमें खाना पचाने वाला नहीं है, एक बार के लिए बता दिया मैंने आपको ऐसे। तो BMR में और मिला करके जो आप जो भी शारीरिक काम कर रहे हो उसमें जो खर्च हुआ उस आदमी के लिए, वो हफ्ते में 6 दिन कर रहा है, ढंग से कर रहा है, तो हमने ये वाला ले लिया, हफ्ते में 6-7 दिन करे, मतलब ठीक अच्छी इंटेंसिटी से करे, और यही करीब 1 घंटे करे, हमने ये ले लिया, क्योंकि मेरे को अपने लिए ये जो 3 से 5 दिन वाला है, आधे घंटे से 1 घंटे वाला है, और हल्का फुल्का है, वो मेरे लिए सही नहीं लगता, और मैं इतना भी इंटेंस नहीं करता कि 1.5-1.5 घंटे लगा हुआ और दबा दबा के कर ही जा रहा हूँ, ऐसे इतना भी मैं इंटेंस नहीं करता, तो मेरे को अपने लिए ठीक लगता है। तो मैंने 1500 से गुणा कर दिया, 1.725, मेरे पास आ गया 2588, 2588 2588 कैलोरीज मैं खर्च कर रहा हूँ, ऐसा मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इसमें खाना पच अब मैं इतनी कैलोरी खाऊंगा तो मेरा वो इतनी कैलोरी में खर्च कर रहा हूँ, इतनी कैलोरी में खाऊंगा तो मेरा वजन ना कम होगा ना बढ़ेगा, इससे ज़्यादा खाऊंगा तो बढ़ेगा, इससे कम खाऊंगा तो कम होगा। तो लेकिन इसमें मैंने अभी 10% जो खाना खाऊंगा वो बचाने की नहीं जोड़ी, तो मैं 10% इसका निकालूंगा 2588 का, ये आएगा 258, समझ लो 259, 259 आ गया, ठीक है, इसमें मैंने जोड़ दी तो यह आया 2847, लगभग 2850 आ गया, समझ लो ये जितना भी आ रहा है सब अंदाज है, ऐसा नहीं है कि एकदम ये एग्जैक्ट उतना का उतना ही होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने मतलब अब इस चीज का कोई नाप तोल थोड़ी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45 से 60 मिनट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो 6 दिन कसरत कर रहा है 45 मिनट कर रहा है वो, और जो 60 मिनट कर रहा है उनकी एकदम बराबर होगी, जबकि वो ज्यादा कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि अंदाज है, एक अंदाजा है, आप एकदम सटीक जो आपको नंबर आना लाना है वो आप ऐसे ला भी नहीं पाओगे, वो कोई लाने की कोशिश भी नहीं करता, सब अंदाज पे चलते हैं।
हो सकता है सटीक नंबर कोई लेबोरेटरी में जाकर के आप ढूंढवा लो, लेकिन वो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, और ये वीडियो आम आदमी के लिए। तो मतलब एक आम आदमी, अगर मुझे पता नहीं है कि लेबोरेटरी में इसका कोई टेस्ट होता है कि नहीं, लैब में कोई टेस्ट होता है कि नहीं, पर अगर होता भी हो तो वो कोई हर कोई कर नहीं सकता ना, तो हम अंदाजे पे चलते हैं और अंदाजे से काम होता है। ठीक है, तो मैंने खाना बचाने की जोड़ दी तो आ गया 2847, 2847। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर थे ना, 1.2, 1.375 करके 1.9 तक जितने भी नंबर थे ना, ये अपने आप में इतने बड़े बनाए गए हैं। मतलब ये एक, मैं समझ लो किसी ने रिसर्च करी, उसने कोई साइंटिस्ट था, उसने नंबर दिए होंगे ऐसे समझ लो। तो ये उसने नंबर देते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा कि खाना पचाने में भी हम कुछ ऊर्जा खर्च करते हैं। तो उसने जो नंबर दिए ना, उसने नंबर इस हिसाब से दिए कि वो जो ऊर्जा हम खाना बनाते टाइम, खाना पचाते टाइम खर्च करते हैं, वो भी इन्हीं नंबरों के अंदर आ जाए, ऐसे समझो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 1500 को मैंने 1.725 से गुणा किया, तो मेरे पास जो ये 2588 आया था, ये 1.725 अपने आप में इतना बड़ा नंबर बनाया गया था जिसने बनाया था उसने, कि उसने इस बात का ध्यान रख लिया कि जो खाना पचाने वाली, जो 10% कैलोरी खाना पचाने में खर्च होगी वो भी इसी में आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब है तुम्हें अलग से 10% निकाल के उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है ना वो लगभग इतनी ही मान के चल सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरी में मैं तुम्हें यह कहूंगा, अगर वजन बढ़ाना है, वजन कम करना है, दोनों केस में मेंटेनेंस कैलोरी तुम अगर हल्की सी कम भी मानोगे ना तो तुम फायदे में हो। मेंटेनेंस कैलोरी हल्की सी ज्यादा मानोगे ना तो तुम थोड़ी नुकसान में हो सकते हो। मतलब बस अभी के लिए इतना समझ लो ऐसा है। तो मान लेते हैं कि हमने 2600 है, देखो देखो मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं इसमें अगर 10 जो मेरी, मान लो अगर मेरी 1500 ही है और मेरी इतनी आती है ना, 2600 के आसपास होगी लगभग, मैं 2600 मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अगर 2600 में मैं मान लो जोड़ देता हूँ ना 10% और, तो 2850 होती है। तो मेरी इतनी मेंटेनेंस बैठती नहीं है, ये ज्यादा में है, मेरी इतनी मेंटेनेंस बैठती नहीं, इससे कम ही बैठती है। तो मैं ये 10% नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 10% का जो है, ये इन्होंने इतना बड़ा, ये जो नंबर है इन्होंने अपने आप ही इतने बड़े चुने हैं कि ये 10% उसी के अंदर इन्होंने मतलब मिला दिया। तो आप सीधा, कहने का मतलब है कि आप सीधा बीएमआर को इस नंबर से गुणा करोगे ना, तो आपके पास में बीएमआर में कितना खर्च हो रहा है, शारीरिक काम में कितना खर्च हो रहा है, और खाना पचाने में कितना खर्च हो रहा है, वो सब मिल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये, सीधा आपको ये देखना है कि आप दिन, मतलब हफ्ते में कितने दिन क्या करते हो, इसके हिसाब से आप कहाँ पे फिट बैठ रहे हो, और उसमें जितना नंबर है अपनी बीएमआर निकाल के उससे गुणा करो, और वो आपको आपकी टोटल मेंटेनेंस दे देगा लगभग। तो मैं 10% से अलग जोड़ता नहीं हूँ मैं सीधा, और मैं ये कहूंगा कि आप भी मत जोड़ो, क्योंकि इससे जो आएगा वो शायद थोड़ा ज्यादा आ जाए। तो मैं सीधा जैसे 2528 आया, 2588 आया, 2588 आया, तो मैं इसको लगभग 2600 मान लेता हूँ। ठीक है, लगभग हमने 2600 मान लिया, मतलब इस पे वो जो 10% खाना बचाने का था वो इसमें आ जाता है। अब हो सकता है कि मैं 2600 की जगह 2500 खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो अंदाज था ना, हो सकता है मैं 2600 की जगह 2700 खर्च कर रहा हूँ, हो सकता है मतलब मैं 2450 खर्च कर रहा हूँ, हो सकता है 2750 खर्च कर रहा हूँ, इतना ही फर्क आता है लगभग, ऐसे 250-300 का फर्क नहीं आता है। तो मान लेते हैं कि एक बार के मान लेते हैं मेरा मेंटेनेंस का जो अंदाज आया वो आया 2600। अब एक बार इस लाइन को भूल जाओ, इसके अगली की बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे को वजन कम करना है, मेरे को पता है कि अगर मैं 1800 कैलोरी रोज खाऊं, और मेरे को पता है मैं हफ्ते में 6 दिन कसरत कर रहा हूँ, ढंग से कर रहा हूँ, मैं मेरी मेंटेनेंस करीब 2600 के आसपास आ रही है, मेरी बीएमआर 1500 है, तो मेरे को सब पता है। मैं अब रोज 1800 कैलोरी खाऊंगा मान लो, तो मेरी 800 कैलोरी का घाटा हो गया। मैं 800 कैलोरी रोज कम खा रहा हूँ, और मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बता रखा है कि 800 कैलोरी 100 ग्राम वजन कम करते हैं, मतलब अगर 800 कैलोरी आप कम खाओगे जितनी खर्च कर रहे हो उससे तो आपका 100 ग्राम वजन कम होगा, और अगर ज्यादा खाओगे जितनी खर्च कर रहे हो उससे 100 ग्राम वजन बढ़ेगा। सो मैं रोज की 800 कैलोरी कम खा रहा हूँ तो मेरा रोज का 100 ग्राम वजन कम हो रहा है, हफ्ते से 10 दिन अगर मैं करता हूँ तो मेरा 700 से 1000 ग्राम के आसपास कम होना चाहिए लगभग। तो यहां से तो अंदाज आया था, अब इस अंदाज के थोड़ा और पास कैसे जाया जाए वो बता रहा हूँ मैं आपको।
मान लो आपने ऐसे कुछ दिन खा के देखा, आपको एक जैसा खाना खा के देखना पड़ेगा, मेरे को तो यही तरीका पता है और मेरे ख्याल से यही तरीका है कि आपको एक जैसा खाना कुछ दिन तक खा के देखना पड़ेगा। तो अगर मेरा 10 दिन मैंने ऐसा किया, मैंने 800 कैलोरी का घटा किया और मेरा 10 दिन में 1000 ग्राम मतलब 1 किलो कम होना चाहिए, मैंने हफ्ते से 10 दिन किया, मेरा 700 से 1000 ग्राम कम होना चाहिए, और मैंने ऐसा देखा कि यार 1.5 किलो कम हो गया मेरा, तो मेरा 10 दिन में 1.5 किलो कम हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा वजन कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा रोज का 100 ग्राम नहीं 150 ग्राम वजन कम हो रहा था, और अगर मेरा रोज का 150 ग्राम वजन कम हो रहा था तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने रोज का 800 नहीं 1200 कैलोरी का घटा कर रखा था। तो मतलब मैं जो सोच रहा था कि मैंने तो अपनी तरफ से 800 कैलोरी खाने में कम करी है, लेकिन मैंने घटा असली में 1200 कम हो गई। इसका मतलब यह है कि मेरी मेंटेनेंस 2600 नहीं थी, मेरी मेंटेनेंस 3000 थी, और मैं 1800 खा तो मैं 1800 रहा था। खाने का तो आप कैलोरी नाप सकते हो, वो जो आप पैकेट खरीद रहे हो उसके ऊपर भी लिखी हुई आती है, इंटरनेट से भी मिल जाती है, वो तो आप नाप सकते हो, लगभग लगभग वो आपको मिल जाएगी। लेकिन तो आपके हिसाब से आप 1800 खा रहे हो, लेकिन आपका 10 दिन में 1.5 किलो वजन कम हो गया, तो मतलब रोज का 150 ग्राम कम हो रहा था, जो कि 1200 कैलोरीज होती है। तो इसका मतलब आप रोज की 1200 कैलोरी कम खा रहे थे, मतलब जो आपने 2600 सोचा था ना वो 3000 था। इसका मतलब इससे आपको जो अंदाज मिला था ना उसमें थोड़ा फर्क था। अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया ना इसमें तो ये 2600 से 3000 का फर्क, 400 का फर्क आ गया, लेकिन इतना फर्क नहीं आता। अब ज्यादातर आपको ये मिलेगा कि 2600 का आपको 2700 2750 या 2500 2450 इसके आसपास आपको मिलेगा, जो भी आपका अंदाज आता है ना उसे 100-150 का फर्क आ सकता है, वो आपको करते करते समझ आ जाएगा। और उतने फर्क की कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब वो ठीक है, आपका वजन कम हो रहा है ना, ठीक है, महीने का कम हो रहा है ढंग से आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना वजन कम हुआ, आप जैसे देख रहे हो कि आपका 1.5 किलो वजन कम हुआ है 10 दिन आपने 1800 कैलोरीज पे खाया, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आप जब नॉर्मल खाने से कम खाना चालू करते हो, जो आप नॉर्मल खाते आ रहे थे उससे कम खाना चालू करते हो ना, तो जो पहला हफ्ता होता है उसमें हमारा वजन थोड़ा ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उसमें हमारे शरीर से पानी भी कम होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है, मतलब होता ही है लगभग। तो जो आप ये 7 से 10 दिन उठाओ ना, जिसमें आप ये देखो कि मेरा वजन कितना कम हो रहा है, ये समझ लो पहले हफ्ते के बाद से चालू करना गिनने, मतलब कहने का मतलब है कि पहला हफ्ता निकल गया उसमें जितना कम होना था हो गया, अब जितना है उतने से आगे कितना कम हो रहा है अगले सात से दस दिनों में वैसे देखना। कुल मिलाकर के पहला हफ्ता और अगले 7 से 10 दिन तो आपको करीब करीब 14 से 17 दिन लग सकते हैं ये समझने में कि कितना कम हो रहा है। और हो सकता है अगर आपको उतने में समझ नहीं आया, थोड़े टाइम और उतना ही खाना खा करके देखो जितना आप खा करके देख रहे हो, ताकि आपको समझ आए। कहने का मतलब ये है कि पहले हफ्ते में हमारा वजन थोड़ा ज़्यादा कम होता है, तो उससे आपको यूँ लग सकता है कि आपने जो कैलोरी डेफिसिट बनाया है यहाँ पे 800 कैलोरी का, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है मैंने पुराने वीडियो में बात कर रखी, तो मैंने जो 800 कैलोरी का घटा किया यहाँ पे, जिसको हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, वो आपको पहले हफ्ते में ज़्यादा वजन कम हो गया, तो आपको लगेगा यार मैं तो 100 ग्राम के हिसाब से हफ्ते का 700 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन ये तो मान लो 1.25 किलो हो गया, तो मतलब मैंने बड़ा डेफिसिट किया। नहीं, पहले हफ्ते में मत देखना, पहले हफ्ते में जो कम हो जाए उसके बाद से गिनना, मतलब नापना चालू करना। मैं ये समझाने के लिए था, सारी चीज़ समझाने के लिए, ठीक है, ये वही एक बात। अब एक बात और, ये जो भी हमने करा ना, ये एक इस आदमी के की बात, उस टाइम की बात है जब एक आदमी अपने रूटीन में काम कर रहा है और वो उतना वजन कम, मतलब उतना काम कर रहा है रूटीन में, कर रहा है, ठीक है। ये जो भी एक्सरसाइज वगैरह थी, मान लो करी, मैं मान लो जिम का उदाहरण लेता हूँ कि मैं जिम में 6 दिन कसरत करता हूँ, मैं करीब घंटे से 1.25 घंटे करता हूँ, और मेरी इंटेंसिटी ठीक से अच्छी होती है, मतलब मैं वैसे भी नहीं हूँ कि 30 सेकंड 50 सेकंड आराम किया एक सेट से दूसरे सेट के बीच में और दूसरे सेट चालू कर दिया, मैं 1.5-2 मिनट आराम करता हूँ, तो मेरी इंटेंसिटी वैसे भी बढ़ जाती है कि आप एकदम थोड़ा एक सेट किया फिर फटाफट और सेट किया, उससे क्या आपकी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा आपको चाहिएगी, आपकी हार्ट रेट थोड़ी जल्दी ऊपर जाएगी। मैं वैसे नहीं करता, मैं 1.5-2 मिनट का 2.5 मिनट का भी कई बार आराम करता हूँ और फिर अगला सेट करता हूँ मैं आराम, वो तो लेकिन मैं सेट कई बार भारी भी करता हूँ और मतलब ज़्यादा हल्के नहीं करता हूँ, तो मेरी इंटेंसिटी वैसे थोड़ी ज़्यादा है, तो मतलब मैं ठीक से अच्छी इंटेंसिटी के बीच में अच्छी पे ही हूँ ऐसा समझ लो, तो मेरे लिए ये वाला नंबर रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें
ये तो मैंने जिम में कर लिया ना घंटे सवा घंटे, अब मैं सुबह आधे घंटे, मेरे को मान लो दौड़ने में मजा आता है, मैं सुबह आधे घंटे दौड़ने जाता हूँ ठीक है, या मेरे को वजन कम कर रहा हूँ मैं, तो मैं सुबह 1 घंटे वॉकिंग पे जाता हूँ। अगर मैं सुबह आधे घंटे दौड़ने जाऊंगा एकदम जॉगिंग जैसे हम आराम से दौड़ते हैं वैसे दौड़ रहा हूँ, तो लगभग मान लो मैंने 200-250 कैलोरी खर्च कर दी उस दौड़ने में, और मैं 1 घंटे वॉकिंग पे जाता हूँ तो लगभग 200 कैलोरी खर्च होती है। किस चीज़ में कितनी कैलोरी खर्च होती है वो आप इंटरनेट से देख लो, इस पर मैं अभी कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, अभी आने वाले टाइम में बाद में देखेंगे। तो मान लो मैं ये जो भी मैंने यहाँ पे अपने इस रूटीन में अपनी इस दिनचर्या में मैंने जो भी कसरत करी थी उसके अलावा मैं कुछ और भी करता हूँ, जैसे 1 घंटे या 2 घंटे में वॉकिंग मतलब चलने जाता हूँ, या फिर मैं दौड़ने जाता हूँ, या मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, या मैं कुछ और करता हूँ, तो उसमें जो आप कैलोरी खर्च कर रहे हो ना वो यहाँ से आए ना उसमें जोड़ देना, क्योंकि वो इसमें नहीं आ रही है, वो आपका जो एक एक्सरसाइज का जो नियम है ना उससे आ रही है। अगर आप मान लो दिन में 2 बार जिम जा रहे हो और दोनों बार ढंग से कर रहे हो तो फिर आप इसमें आ गए हो, इस वाले में आ गए हो, और इससे जो भी आपके पास में आए 1.9 से गुना करके जो खाना खाओ उसका अंदाज लगाने कितनी कैलोरी है, और देखना कि मेरा कितना वजन बढ़ रहा है कम हो रहा है जिस हिसाब से तुम खा रहे हो, और फिर अंदाज लगाना तुम इतना खर्च कर रहे हो। पर आमतौर पर लोग एक बार ही कसरत करते हैं या एक बार ही खेलते हैं 1-1.5-2 घंटे के लिए, तो ये आम जनता के लिए लागू है। उसके अलावा अलग से तुम कुछ कर रहे हो तो उसकी कैलोरीज में जोड़ देना, ये तुम्हें समझाने के लिए। जैसे मैं जिम जाता हूँ मेरे 2600 के आसपास अगर आती है, और मैं उस दिन अगर 1 घंटा चलता हूँ तो 1 60 किलो का आदमी, अगर 1 60 किलो का 65 किलो का मेरे जितना वेट है उतना आदमी अगर मान लो 1 घंटे चलता है तो वो लगभग 125 से 225 कैलोरी के बीच में खर्च करता है, तो मैं करीब 200 कैलोरी जोड़ देता हूँ। मैं चाहूँ तो उस दिन 200 कैलोरी ज़्यादा भी खा सकता हूँ क्योंकि मैंने वो खर्च कर दिए, और मैं चाहूँ तो 200 कैलोरी नहीं भी खा सकता हूँ क्योंकि मेरी 200 कैलोरी का घाटा होएगा, तो मेरा वजन और थोड़ा सा जल्दी कम होएगा। इसे इस वीडियो में मैंने मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ बता दिया है जितना एक मेंटेनेंस कैलोरी ढूंढने के वीडियो में चाहिए। इसके बारे में मेरे ख्याल से तुम्हें ये मैंने वही लिखा था कि तुम्हें शायद लैब चाहिए, और अगर तुम्हें एकदम सटीक चाहिए तुम कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हो दिन में, पर हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं, आम आदमी इस तरीके से काम करता है और करते हैं। अगर हम किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग भी देते हैं और उसको सिखाते भी, तो हम उसकी इसी तरीके से मेंटेनेंस कैलोरी ढूंढते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में वो सब कुछ आ गया है जो कि मेंटेनेंस कैलोरी समझने के लिए और ढूंढने के लिए चाहिए, तब ये वीडियो शायद आधे घंटे का हो गया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लंबा बना है और मेरे ख्याल से मेंटेनेंस कैलोरी का शायद ऐसा वीडियो तुम्हें हिंदी में तो ना मिले, क्योंकि मुझे नहीं मिला कभी, मैंने भी काफ़ी सर्च किए हैं पहले, करीब 3 साल से मैं इस लाइन में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने भी काफ़ी कोशिश करी हुई है सर्च करने की, तो मुझे कोई इतना डिटेल में समझाने वाला हिंदी में तो नहीं मिला था, और इंग्लिश में भी नहीं मिला इतना डिटेल में समझाने वाला मेरे ख्याल से। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो उसे शेयर करो, लाइक करो, अगर तुम्हें आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर दो, मैं और अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। मैं अब तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय, अभी से इंग्लिश में भी बनाना है।